गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा तुहाडे अपने चैनल गुरु बंदगी दे विच तुहाडा स्वागत करता हाँ। संगत जी, अगर तुसी साखियां जां सत्संग सुनना पसंद करते हो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके साडे परिवार का हिस्सा बनो ते सानू अपना प्यार दिओ जी। संगत जी, अज जो असी सत्संग सुन जा रहे हाँ ਇਹ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਰਾਧਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। आप इस शब्द विच सानू दसते हैं कि असी दुनिया के जीव इस दुनिया में सच्ची समझ के इस दे प्यार विच किन्ने अपने आप में खो गए हैं और किस तरह असी उस मालक को भुल के साडे पासों ओ अपराधियां और ओ कुकर्म हो रहे हैं जिन्हां सदका फिर असी कभी ख्याल भी नहीं कर सकते कि असी मालक वाले पास वाले जा सकेंगे। तो कल आया सी भाई माया जिहड़ी है ये चूड़ी है। हजूर महाराज जी फरमाया करते सन माया चूड़ी है और माया तो जिहड़ी चीज पैदा हुई है वो की है, वो साडा मन है। तो चूड़ी तो चूड़ा ही जमना है, होर की हो सकता है। तो साड़ी जिहड़ी आत्मा है वो तो उस परमेश्वर की अंश है और इस संसार विच आके इस रचना विच आके इसने उस चूड़े नाल प्यार पा लिया है। चूड़े नाल प्यार पा के इसने ये अपनी कुल नूं भुल गई, अपने वंश और खानदान में विसर गई, अपने घर में विसर गई। तो उस नाल चूड़ी बन के चूड़े वाले कर्म कर रही। तो जिन्ना चिर तक असी इस माया के देश विच बैठे हाँ, माया साडे पासों उहदे बाबत देखिया करदे सन कि सुखी वक्ती है जां दुखी वक्ती है। तो राजा जनक एक रात उठ के अपने शहर की सैर कर रहा सी, देख रहा सी कि शहर विच की कुछ हो रहा है। तो की देखता है, एक चरोखे दे विचों दी रोशनी आ रही है और उस रोशनी नू कोई तीवी इकली खड़ोती है गली दे विच, उस रोशनी राही उस अंदर जाग रही है। उस रोशनी जिहड़ी कि उसके चेहरे ते पै रही सी उस तुहानूं प्रतीत होया कि यह औरत है। तो राजा भी दबे पैर जिहड़ा सी अगां वध रहा सी उसके पैरों की आहट पा के वो औरत जिहड़ी उस रोशनी दे विच उस कमरे अंदर झाक रही सी वो हस रही सी। पर राजे ने सोचा कि कोई हसण वाली चीज़ होनी है तो वह भी गां गया, उसके पैरों की आहट पा के वह औरत अगे निकल गई। हुण राजा उस जगह ते खड़ा हो गया जिसे राजा खड़ा हो गया है। राजे ने भी उस चरोके रस्ते चाकिया जिस एक चाकिया है तो राजे का भी हासा निकल गया। वो राजे के हासे नूं औरत देखिया उसने तो राजा भी उतो फिर अगां तुर पिया। उस औरत का ते राजे का फिर रस्ते विच मुलाप हो गया। जनक पुछदा है कि तू इस वक्त कौन है जिहड़ी इत्थे फिर रही है। तो उसने दस्या कि मैं एक जनानी हाँ, घर विचों आई सां बाहर क्योंकि प्रभात का समा हो चुका सी, मैं अपने काम से जा रही सां। तां किया कि जब तू झरोके विच देखिया सी कि तू क्यों हसी सां, कहिंदी है कि तुसी दसो तुसी भी तां देखिया सी तुसी क्यों हसे सो। कहन लगे नहीं पहला तू दस, कहन लगे नहीं तुसी पहला दसो।
राजे ने यह किया कि मैं तो इस वास्ते हसया कि प्रभात का समय है, नाम की कमाई करने का इस मौके उत्ते समय है। इस वक्त आदमी की बिरती जिहड़ी है परमेश्वर वाले पासे दा रुख कर सकती है, जुड़ सकती है। तो मैं देखिए कि इस वक्त कोई जोड़ा कुकर्म करने वास्ते प्रभात की परवाह नहीं की, इस परमेश्वर वाले वेले की उसने कोई विचार नहीं की, तो इस वक्त कुकर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा तो इस वास्ते हादसा निकलिया कि किड्डा मूर्ख है, इसनों समझदा भी नहीं पता कि कहड़ा समय है जिस समय मैं ये चीज जी है कर लगा। तो पुछदा तू क्यों हसी, कहिंदी मैं इस वास्ते हसी हाँ कि मैनू इन्हां दोवां दे पिछले जन्म की खबर है। ये औरत पिछले जन्म च इसकी माँ सी और ये उसका पुत सी। तो मैं देखता हाँ कि इस माया के रंग की हैं, ये साढ़े पासों जन्म दे के सानू अगलिया पिछलिया सब खुशियां भुला दी और पता नहीं किहदे नाल साडा इस संबंध जोड़दी है, किहदे नाल तलक पाउंदी है, साढ़े पासों किहड़े किहड़े खोटे तो कर्म कराउंदी है। तो फिर इहो जी हालत विच असीं भला किस तरह उस मालक नाल मिल सकते हाँ। मैं उस लई इस चीज़ उत्ते देख के हस रही सां कि माया तू अजीब चीज़ है और तू अजीब तरीके नाल दुनिया नूं फरमाया पिया। तो इस शब्द विच गुरु नानक साहब इस चीज़ नूं ही प्रगट कर रहे हैं। कहिंदे हैं कि जिन्हां रूहां दे अंदर इस संसार विच आ के दुनिया की धू और दुनिया की खिच जिहड़ी है इन्नी ज़्यादा हो जाती है कि वह अपने आप को भुल जाते हैं, अपने आप को विसर जाते हैं और वह मालक तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो जिहड़ा ये शब्द है, जिन्हें भी बाणी विच शब्द लिखे हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हां दे पिछे कोई ठोस कहानी काम कर रही है, जिसनों गुरु साहब ने उस कहानी कहानी के आधार उत्ते उन्होंने लिखा है। तो ये शब्द गुरु नानक साहब ने कदों लिखे है, जदों आप तलंबे विच पहुंचे। तलंबा एक नगर सी जिथे एक पुरश जिसनों सज्जन कह के बयान करते सन, शेख सज्जन कहते सन, वो उसने एक धर्मशाला और एक मसीत बना के बाहर तख्त पोश डा के बड़े सुंदर चिट्टे कपड़े पा के हाथ में माला पकड़ के वो उसे बैठा होंदा सी और वो जगह बिल्कुल रस्ते देते सी, मुसाफर आउंदे सन, वो उसकी भोली भाली सूरत देख के उसनों गुरमुख और प्रेमी जान के उस पासों रात रहन लई ठौर मंगदे सन। तो जेड़ा उसके काबू आ जाता सी उसने अपने उस मकान दे विच एक खूह पुटिया होया सी, उसनों रात लुट पुट लैंदा सी और कतल करके उस खूह दे विच सुट लैंदा सी। सवेरे उठ के फिर माला फड़ के बैठ जाता सी। हुण इस कुकर्म वाले पासे लगा होया सी, लेकिन संत महात्मा जेड़े हैं वो बड़े दूरदर्शी हुंदे हैं, वह संसार विच आ के अपनियां रूहां दी आप भाल करदे हैं। जिन्हां दे तुर कर्म बने हुए हैं वह जिथे भी कितने बैठिया हो, जे वो आप ना आ सकदियां होण तां खुद आप उन्हां पास चले जाते हैं। तो यह शेख सज्जन दे भी किसी समय तुर कर्म पिछले जन्म के बने हुए सन, जिस सदका गुरु नानक साहब नूं अज उस दे पास पहुंचना पिया। जिस वक्त पहुंचे शेख सज्जन ने उन्हां दी बड़ी आओ भगत की और लुक के अपने आदमी नूं कहिंदा है कि अज सामी तकड़ी फसी है, तकी तकड़ी सामी फसी है, तुसीं इहदे चेहरे का जलाल देखो, इसके चेहरे के उत्ते इन्ना नूर जिहड़ा है, ये तो साध होया है, ठगियां कर करके साध होया है। जिहो जिहा किसी का सुभाव बनया होवे, जिहो जिहा किसी विच औगण होए, वह उन्हां औगणां दी ऐन कुछ जब दूजे नूं देखदा है उन्हों औगण ही लभदे ने, होर कोई चीज नहीं लभदी। कहिंदे वड्डा ठग कोई ये है, इस पास मेरे रुपए पैसे नहीं हैं, इसने हीरे जवाहरात इस पास हैं और इसने लुका के रखे हुए हैं, इसकी खूब तवाजो करो और अज असी माया नाल हाथ खूब रंगने हैं। पर इधर ये विचारां हो रही हैं, उधर उस पवजल विचों कढ़न वास्ते
गुरु नानक साहब अज खुद आप उसके घर पहुंचे हैं। तो बहुत अच्छी तवाजो की थी और सज्जन ठग ने हाथ जोड़ के बेनती की थी कि महाराज हुण सौण का समा हो गया है, तुहाडे वास्ते बिस्तर लग्या है, तुसी अंदर आराम करो और अंदर जाके ते लेटो ते हुण सौ जाओ। तो गुरु नानक साहब ने उस वक्त किया कि सजना मेरा ये नियम है कि सौण तो पहला मैं रब की बंदगी का एक भजन जरूर बोलता हाँ, उसके बाद मैं मंजे ते जाना। तो सज्जन कहन लगा जी ये तो बड़ी खुशी की गलबात है, तुसी भजन बोलो असी भी सुनांगे। तो गुरु साहब ने मरदाने नु कहा कि मरदानिया सदा रबाब नु सुर कर, जिसर तो रबाब सुर की थी, हुण मरदाने की रबाब और गुरु नानक साहब का गला और फिर उस दी बाणी जिहड़ी परमेश्वर के हुक्म नाल अंदरों निकले। तो फिर कोई कारण हो सकता सी कि सज्जन ठग उसकी ताब चल लैंदा, तो गुरु नानक साहब ने इस शब्द का उच्चारण उस समय किया। गुरु नानक साहब ने उसनू नहीं किया कि तू ठग है, तू बेईमान है, तू फलान है। वड्डिया बंदियां दे विच जां गुरमुखां दे विच ये खास विशेषता होंदी है कि उन्हां दे औगण उन्हां नू नहीं कहिंदे कि तुहाडे विच ये औगण हैं। वह दूजे के औगणा दी कहानियां बयान करते हैं जिन्हों सुन के उन्होंने अपने अंदर शर्म आनी जी है वह शुरू हो जाती। तो की कहते हैं इस तुक नु हुण सुनो और इस कहानी दे विच गुरु नानक साहब ने सज्जन का किवें जीवन बदलिया है। अज असी इस कहानी इस शब्द विच ये कहानी सुननी जी। उजल के गुरु नानक साहब नाले तो शब्द बोल रहे हैं, नाले सज्जन नु समझा रहे हैं। ऐ सज्जना कह एक धात हुंदी है जिससे बर्तन बने होंगे हैं, भांडे बने होंगे हैं और आम घर के वर्तों में वह चीज आती है। जिस वक्त उसनों सवाणियां मांजदियां हैं तो कहिंदे उहदे विच इन्नी लिश्क पुश्क हुंदी है ऐ सज्जन, उस दे विच अपना मूँह चाकिए तो मूँह उस दे विचों नजर आउंदा है और इन्ना साफ और उजला हुंदा है उसनों देख के कोई पुरश नहीं कह सकता कि इस विच कोई मासा जिनी भी कितने मैल है या इस दे विच मासा जिनी कोई काट चुकी हुई है। तो कहिंदे ये उसकी सारी लिश्क पुश्क सज्जना बाहर दी है, पर यह सब का तजर्बा है कि इन्नी लिश्क पुश्क रखने वाला जिहड़ा कह है अगर उसनों हाथ उत्ते कसा दिता जाए हाथ वाल देखो तो काला चवाती वर्गा हो जाता है, उत्ते काला दाग पै जाता है उसके कसाउण नाल। ये कालख कित्थों निकली है? कहिंदे ये उस कह दे अंदरों निकली है। उसकी बाहर की लिश्क पुश्क की है कि उसके कालख भरी हुई है। ऐ सज्जन मैं ऐसे संसार दे विच बड़े इंसान देखे हैं जिहड़े बाहरों तो बड़े चिट्टे कपड़े पा के रखते हैं, गल विच वाला लटकाइया हुई हैं, मत्थे ते तिलक लाए हुए हैं और बड़े नेमी प्रेमी और भगत अपने आप नूं ख्याल कर रहे हैं। ऐ सज्जन जदों उन्हां नाल वरत्या जाए पता फिर लगता है कि वह अंदरों की हैं। जब उन्हां दी सोगत कीती जावे फिर समझ आउंदी है, फिर पछाण लगती है कि वह अंदरों की हैं। सोगत कीते उन्हां दा पता लगता है कि वह जिहड़ी लिश्क पुश्क है ये उन्हां दी बाहर दी है, उन्होंने अंदर मैल ही मैल भरी हुई है। तो भी यहोजे बंदे कई देखे होने हैं, मैं भी देखे हैं, तेनू तू भी कई देखे होने हैं। हुण सीधी चोट सी सज्जन दे उत्ते सीधी चोट, दिल च सोच रहा है कि ये सारी बुरियाई ते मेरी बयान कर रहे हैं, ये सारे औगुण तो मेरे ही हैं। मैं चिट्टे कपड़े पाए हैं, हाथ च माला फड़ी हुई है, अपने आप नूं गुरमुख बन के बैठा होया हाँ, लेकिन मेरिया करतूतां किन्नियां वैलियां और किन्नियां गंदियां। तो ये चीज सुन के सज्जन के दिल दे विच कहिंदे ने बड़ी शर्म उसनूं महसूस होई, पर गुरु साहब अजे इन्नी गल उत्ते थोड़ा नबेड़ा करना सी, अजे अगे गल्लां कहणियां हैं।
जब तक पलट नहीं देंगे संत बचना दे नाल अगले का मन उन्हें चिर तक संत कभी उस रूह को छोड़ दे नहीं। तो अगे गुरु नानक साहब फिर की बयान करते हैं, अगे सुनो। उज्जल के तिलक कोट काली मास कहते ए सज्जन जिस तरह उस कहे की कालख गवाने वास्ते कालख कढ़ण वास्ते अगर कोई पुरुष उसनू 100 बार भी पानी में धोवे तो सज्जन फिर भी कहे की कालख जिहड़ी है बाहर नहीं निकलती। कालख उसके अंदर कर करके बैठी हुई है। तो भाव की है कि वह जिहड़े पुरुष अपने आप को गुरमुख बन के दिखाते हैं वह अपनी कालख धोने वास्ते दुनिया को दिखाते हैं कि असी तीर्थ गामी हाँ, असी फलाण जगह भी नहा आए हाँ, फलाने थान भी इशनान किया है, फलाने थान भी तीर्थ से गए हाँ, फलाने थान भी गए हाँ। 68 तीर्थ हिंदुस्तान के हैं, वह 68 तीर्थों के चक्कर लाउण ऐ सज्जन उन्होंने हिरदे की वैल किसी तीर्थ से ताकत नहीं है कि वह कढ़ के बाहर सुट दे। तो कहते उन्होंने अंदरों ये मैल जी है निकल नहीं सकती। जिस तरह कहे की धोन न मैल नहीं निकलती ऐ सज्जन, बारमुखी धोन न उन्होंने पाप उन्होंने ऐब निकल सकते हैं, कभी नहीं निकल सकते। भावें किन्ने पानी अपने आप से इशनान कर, किन्ने अपने आप में सच्चे सच्चे हो के बन के कोशिश कर, उन्होंने जिहड़े नापाक ख्याल हैं उन्होंने नापाक बिरतियां जिहड़ियां हैं सदा इस चीज़ को सोचदियां रहिंदियां हैं कि किस बंदे नूं किहड़े धोखे च लिया के लुट लईए, किस नूं किहड़े धोखे च लिया के लुट लईए, किस नूं किहड़े धोखे च लिया के लुट लईए। तो सज्जन ऐसे बंदे संसार विच आम मिलदे हैं। तो जिस वक्त यह गलबात कही सज्जन का सिर नीवा पै गया। उसने सोचा कि खुलम खुला मेरा जो कुछ है वह मेरा हाल बयान किया जा रहा है। तो अगे गुरु साहब कहते हैं अजे शब्द लंबा है, अजे अगे सुन अगे शब्द विच की आता है जी। सज्जन से नाल में चल दया नाल चलन ता। गुरु नानक साहब कहते हैं हे सज्जन, सज्जन से असं उन्होंने कहते हैं जेड़े चलद्या के नाल चलते हैं, तुरद्या नाल तुरते हैं, उन्होंने असं सज्जन कहने। जेड़े हर वक्त कहते मदद करने वास्ते तैयार रहन, जब भी औकड़ बने उस वक्त सहायता करने वास्ते कोई खड़े हो जाने असं सज्जन उन्होंने कहने। तो दुनिया के विच तां कई प्रकार के सज्जन मिलते हैं, पर जे एक सज्जन भी सज्जना लभीए तां इस संसार विच एक सज्जन लभना भी बड़ा औखा हो जाता है। ना दा सज्जन कोई थोड़ा है, सज्जन तो वह है जिदे विच सज्जना वाले गुण हो, जिदे विच सज्जना वाले गुण नहीं है उन्हों सज्जन किस तरह कहा जा सकता सी। यह सीधा सीधा सज्जन के उत्ते अटैक। तो कहते ने फरीद जी की बाणी विच भी आता है, फरीदा गली सो सज्जन भी, गल्लां बातां नाल घर पूरे करन वाले तां तुहानूं 20 सज्जन इस दुनिया च मिल जाते हैं, लभ जाते हैं। जिन्हें मर्जी यार बना लो भावें सैकड़े बना लो, पर सज्जन की परख कद आती है, होंगी है जब औकड़ बने, जब मुसीबत बने, जब इस इंसान के उत्ते दुख आवे उस वक्त सज्जन की परख होंगी है कि सज्जन केड़ा है। गली सो सज्जन भी एक टुने दी नाल हां, जे लभीए तो एक भी नहीं लभदा भावें सारे जहान शान वाली। गली सो सज्जन भी
एक टुडेंदी नाल हां तुखा जो वाली कारम सिन्ना वापरी। कहते मैं इस वास्ते ते वली वांग तुख रही हाँ। वली की होंगी है? गोहा जिस दियां पासियां थपियां जांदियां हन बालण वास्ते, जब पाथियां टुट जांदियां हन तो उन्हां दा चूर भूर जिहड़ा हुंदा है उस नूं वली कहिंदे। वली नूं जब अग लगदी है तो उहदे विचों कदी लाट नहीं निकलदी, उह तुख तुख के सवाह हो जांदी। तो वली वांग तुखणा की भाव? चिंता और झोरे विच चुरदे रहना हर वक्त, और चुर चुर के शरीर जिहड़ा है कमजोर कर लेना, मौत दे किनारे तक पहुंच जाना, इहनूं कहिंदे ने वली वांग तुखणा। तां कहिंदे ने मैं भी इहो जिहा सज्जन लभण दे वास्ते मेरे दिल दे विच तुख तुकी लगी हुई है। मैं तां लभदा पिया फिरदा है कि कोई सज्जन मिले इहो जिहा, जिहड़ा सज्जन कहिंदे ने सज्जन बन के मेरी मदद करे। तां सज्जना अज तां तैनूं मिल के बड़ी खुशी हुई है, सुनिया तू बड़ा सज्जन है, तू बहुत वधिया सज्जन है, तैनू मिल के अज मेरे दिल से चा चढ़ गया। मैं तां लभदा फिरदा सा कोई सज्जन मिल जाए, तो तू तो सज्जन है। सज्जन वो है जेडे तुरदिया नाल तुरन, ते हुण सज्जन शर्म खान दिया होया है, हाय हाय ये तो गल मेरे बिल्कुल उल्ट जान दई हुई है, ये तो सज्जन की तारीफ कर रहे, मैं तो पापा का पाडा बन के बैठ गया हाँ, मैनू की पता सी ये चीज ऐ हुंदी है। तो फिर अगे गुरु साहब अगली तुक विच होर सज्जन का हाल खोलते हैं, अगे की कहते हैं। सज्जन सोई लाल में चल दया लाल चलन जिथे लेखा मंगी है कहते हैं। सज्जन वह हैं जिन्होंने जिस थां भी लेखे वास्ते वंगारिया जाए, जिस औकर दे विच भी उन्हां दी मदद मंगी जाए, तां कहते हैं वह हर वक्त एक हथ रख के सामने आन, वह कहन भी हाँ असी तैयार हाँ, जिथे मर्जी है तू सानू वरत, जिथे मर्जी तेरी लोड़ है, जिथे तू चाहना है असी उस जगह ते खड़े होण नूं तैयार, इहदा नाम सज्जन है। तो यह सज्जन कौन है? ऐसा सज्जन सवाए गुरु दे होर कोई नहीं हो सकता, जिहड़ा इस रचना विच इस संसार विच भी साडी मदद करदा है, और मरन तो पहले जदों के दूध जब दूध आके इसनूं घेरदे हन उहनां नूं आउण दा मौका नहीं दिंदा, पहला ही आप आ जांदा है और आके उस रूह नूं भरोसा दिंदा है, तसली दिंदा है कि बस मैं आ गया हाँ, हुण मैं तैनूं लै चलांगा, हुण तू तैयार हो। तो मौत दे वक्त रूह नूं जिहड़ी है उस वक्त किन्नी खुशी हुंदी है। तो गुरु साहब इसे बयान कर रहे हैं, सज्जन असी उन्हां नूं नहीं कहते जिहड़े बाहर मुखी प्यार करके दुनिया नूं धोखे विच पाउंदे हन, दुनिया नूं गलत रस्ते उत्ते पा के दुनिया दे पासों अपने मतलब बरारी करदे हन। सज्जना सज्जन उन्हां दा नां है जिहड़ा जिथे भी उन्हां पासों मंग कीती जावे मदद दी, उह उत्थे ही खड़े नजर आउण, उन्हां दा नां सज्जन है जी। को जिथे लेखा मंगी है ते खड़े दिसन कोठे मंदत मारिया पासो चेतलिया। छड़ के ये पैदर पै अटैक हैं उस सज्जन उत्ते जिसकी हालत नूं बदलना है। तो कहते हैं ऐ सज्जन कोठे महल और वाड़ियां तैयार कीतियां जांदियां हैं और उन्होंने उत्ते बाहर मुखी बड़ी चित्रकारी की जाती है, जिस तों देख के वह बहुत सुंदर और बहुत सोहनिया लगदियां हैं। ऐ सज्जन जे उस दे विच कहिंदे वसण वाले रौनक लाउण ता तो वह महल जड़े हैं वह वाड़ियाँ जड़िया हैं वह बड़िया खूबसूरत हैं चंगिया हैं, पर जे सब कुछ बारों चंगा बनया हुआ हो
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਹਾਪਣਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹਨ, ਖੋਟੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੌਣ ਸੋਭਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਕੌਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਾਪਣ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਸੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਓ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ? ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਔਰ ਸਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਔਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਪਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾਰੀਆ ਪਾਸੋ ਚੇਤਰੀਆ ਤੱਠਿਆ ਕਮਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਟੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੱਜਣ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਲਮਤ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੱਠਿਆ ਕਮਲਾ ਆਵਨੀ ਵਿੱਚੋ ਸਖਣੀ ਆਹਾ ਸੱਜਣ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰਥ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬਗਲੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਕਿਜ਼ਗੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਮ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੱਜਣਾ,
जिस पुरश ने गुरद्वारे भी घर बनाए होन, मंदिर भी तारो सारे होन, वसीतां भी तारो सारियां होन, और फिर कहने हैं उसकी शोभा तो वो आप वखरा होकर बैठा हो, और दिन रात इस ताड़ विच बैठा हो कि कोई मुर्गी आके फसे तो मैं उस तो फड़ के लुट लवा, उस तो फड़ के खा लवा। यह लेखा जोड़ा है उस मालक के दरगाह में जब देना पड़ेगा तो फिर सोच लै भी की लेखा होता है। ऐसे पुरश बहुत सारे संसार मिलते हैं जेडे मंदिरों के पुजारी बन के बैठे हुए हैं, जेडे होर मसीतों के मुलाने बन के बैठे हुए हैं, पर वह दिन रात ऐसे बंदियों की तलाश में रेंदे हैं जिन्हों पासों उन्होंने रुपये लुटने हैं, माया खोनी है, उन्होंने दुख देना है, उन्होंने मारना है, कतल करना है। तो ये सब तो एक चोट तो वध दूसरी चोट जी होर जबरदस्त उसके हिरदे उत्ते सुटते तुरे जा रहे हैं। तो कहते हैं उन्होंने विचार लै, उन्होंने कोई बगे कह सकता है, उन्होंने कोई हंस कह सकता है, तो हंस नहीं है ऐ सज्जन, वह तो दखावे देख है, उन्होंने जीवनी अच्छी नहीं, जिसका जीवन नहीं अजे तक बन सकिया। गुरमुखों की संगत च बैठ के, गुरमुखों के कोल बैठ के, जिसे अंदर ये तब्दीलियां अजे तक नहीं आ सकियां, वह किस गल की वडियाई कर सकता है, कि चीज की शोभा कर सकता है। हाँ जी, बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंजे वसन्ने कोटे कोटे जिया खावने बग्गे हिरदे च महानता है। यह पवित्र स्थान उत्ते आके भी कई लोग जिहड़े हैं अपने औगणा नूं जिहड़े हैं बिलकुल नहीं छड्डदे। तो कहिंदे ने इहो जिहे पवित्र स्थानां विच आके बैठ के जे उत्थे बैठ के उन्हां दी रहनी नहीं बदली तां ऐ सज्जन फिर सवाई इस गल दे कि वह लोग उस तीरथ की महानता पवाउण वास्ते उत्थे बैठे हुए हैं, इस तों वड्डा पाप होर की हो सकता है। तो कहिंदे ने ये औगण किन्नां विच है, कहिंदे जिहड़े बग्गे दा सुभाअ रखदे हन, बगलियां वाला सुभाअ रखदे हन, बगला उत्तों चिट्टा है, देखण नूं बड़ा सुंदर पंछी है, और जिस वक्त एक लफ्ते खड़ो के अखा मीट के उत्ते पानी च खड़ोता होंदा है, असी देखते हाँ कि इस तो वड्डा भगत संसार से किहड़ा हो सकता है जिहड़ा एक टंग से खड़ो के भगती कर रहा है। लेकिन वह चोर अखा नाल देखता रहता है, जिस वक्त भी पानी के जरा हिलोर आता है, कोई मच्छी उपर उपजी है, एक दम चुंज मार के पकड़ के उस वे टींट टींट करदी नूं लैके गां जांदा है। कहिंदे ऐ सज्जन ऐसे पुरश जिहड़े हैं उन्होंने मंदिरां दी शोभा गवा दित्ती, उन्होंने ठाकर द्वारियों की शोभा गवा दी, उन्होंने वसीतों की शोभा गवा दी, उन्होंने गुरुद्वारे की शोभा गवा दी, जिन्हां पवित्र स्थानों के ऐसे जीव वस के उन्होंने कलंकित कर रहे हैं, उन्होंने समझ लो उन्होंने महानता जिहड़ी है वह नाश करने वास्ते उत्थे बैठ गए। तो कहिंदे हैं उन्होंने काम जीआं नूं घुट घुट के खांदे हैं, कहते उन्होंने असं बगे किस तरह कह सकते हैं, उन्होंने असं संत किस तरह कह सकते हाँ, असी गुरमुख किस तरह कह सकते हैं। तो ये जबरदस्त चोट सी जिस चोट ने उस सज्जन का जिहड़ा दिल से कंबा दिता। अगे की कहते हैं, अगे सुनो, कोटे कोटे जिया खावने बगे ना कहीं अन्ने नानक साहब ने कोई एक चपेड़ थोड़ी मारी है, बड़िया चपेड़ा मारियां उसनों। अखीर कहते हैं सजना सिंबल रुख भी तो है गए हैं, आम रुखों नालों उच्चे होंगे, लंबे होंगे, मोटे होंगे,
बड़े सोहने उन्हां दे उत्ते रंगदार फुल लगे होंदे हन और दूरों देखण दे च एवं उन्हां नूं उन्हां दे उत्ते जिहड़े फल लगे ने उन्हां दी एवं शोभा जापदी है कि वह मिठक और मिठास नाल भरे पए। तां कहिंदे हन वैजन कहिंदे ने तोतियां नूं क्योंकि तोता मिठे फलों का आशक है और वह इस भाल विच रहिंदा है कि कितने मिठे फल मिलन, तां मिठे फल उत्थे जाके मैं खावां और खा के ते मैं तृप्त होवां। तो कहिंदे वह अपनी भुख नूं मिटाउण दे वास्ते तोते जिहड़े ने सिंबल रुखां दे पास जांदे ऐ। सज्जन इस तरह वह कपटी पुरश जिहड़े बाहरों गुरमुख बन के बैठे हुए सन, अपने आप नूं चंगे बन के बैठे हुए सन, तो दुनिया के सताए हुए जीव जिहड़े सन, दुनिया की मार खा खा के उदास होए हुए जीव जिहड़े सन, वह शांति लभण वास्ते, सुकून लभण वास्ते, अपने अंदर गुरमुखता पैदा करने वास्ते इस चीज़ की भाल विच बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि आ गुरमुख जिहड़ा है वह बड़ा सुंदर है, उसके बोल बड़े मिठे हैं, वह जरूर चंगा होना है, उतों ही शांति मिलेगी। लेकिन सजना जिस वक्त वह तोते सिंबल रुख के पास जाते हैं अपनी भुख को मिटाने वास्ते, तो जिस फल में वह चुंझ मारते हैं किसी विचों मिठास नहीं निकलती, किसी विचों रस नहीं निकलता, उसके चो फोक उस रूह ही रूह निकलता है, ना तो उस मिठास है ना भुख मिटाने काम आता है। जिस फल में भी मारते हैं वो कुछ नहीं निकलता, तो वह निराशे हो जाते हैं, निराशे होकर मुड़ते हैं। ऐ सज्जन जिथे योजे महात्मा बैठे हो जे दुनिया को धोखा दे रहे हो, अपने आप को व्डे बन के बैठे हो, लोग अपने मन की तृप्ति वास्ते और शांति दे वास्ते दूरों ताई करके उत्थे पहुँचन, पर तृप्ति और शांति की थान ऐ सज्जन उन्हां दे नाल उत्थे जुल्म किया जाए, उन्हां नाल बुरा सलूक किया जाए, बुरा वर्ताव किया जाए, विचार के देख लै उस सिंबल रुख की की वड़ियाई इस संसार से हो सकती है। वो रुख जिहड़ा है वह किस तरह शोभा पा सकता है और जिस तरह रुख शोभा नहीं पा सकता, वो लोग जिहड़े बैठे हैं वह किस तरह शोभा के हकदार हो सकते हैं। जी सिंबल रुख शरीर में जन देखे पुलन फल कमला ते गुण में तन हन कहते ना वो फल कम आते हैं ना वो पत्ते कम आते हैं। सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच कोई जे आवे आस कर जाए निराशे कित। गुरु नानक साहब बाणी च लिखे थे जाए निराशे कित, क्यों फल फिके फुल बत बके काम न आवन पत। तो गुरु साहब आखिरी तुक की कहते हैं मिठत नीवी नानका गुण चनियाइया पत। ऐ नानक सारिया चनियाइया और गुणों का तत् की है? कहते ने दीनता और मिठत। जिस पुरुष के अंदर दीनता है और मिठत भरी हुई है उसके तन की शोभा संसार उत्ते कायम रहती। जिस पुरुष के अंदर दीनता नहीं है, जिस के अंदर मिठास नहीं है, वो थान की है? ईर्षा भरी है, क्रोध भरिया होया है, ऐसा शरीर जिहड़ा है दुनिया उत्ते काबले तारीफ नहीं किया जा सकता। तो गुरु साहब इतने यही गल कह रहे हैं कि वो लख वाली और रुख वड्डा है पर उसके अंदर जिहड़े औगण हैं उन्हां सदका उस रुख की शोभा किसी जगह नहीं होंदी। जी से फल कमना आवनी से गुण में तन हन अंदले पार उठाए डूंगरे बा हुण सब कुछ कह के गुरु साहब सब मिसालां दे दे के उसके हिरदे नूं टिकाने ते लिया के कहिंदे हन सारी उम्र की कीता कि मैंने पाप और अपराध किए, खोटे खोटे इस जीव ने कर्म किए,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੂਗਰ ਵਾਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੰਗ ਤੜਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਜਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਰਾਂ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ। ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਰਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰੇ। ਸੱਜਣਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਮਵਰੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਖੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਛੇਤੀ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਮ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਾ।
पर उठे जो कुछ लोग कही जान वो सच्चे पातशाह मेरा झूठ ही कही जान। कोई तो आखे भी साडे पिंड की छां सी, अज साडे पिंड का बोर्ड जिहड़ा है टट गया। कोई कहिंदे देखो किन्ने नेक इसने काम किए हैं, किन्ना इसने अच्छा चीज की सवारी है, फलाने नूं आ फायदा दिता, ढिंगे नूं आ फायदा दिता। इहदा ते वासा जरूर स्वर्गां विच होएगा। सच्चे पातशाह मेरे मूंह दे विच आई आई गल रह जाए, भले लोग जिहदे तुसीं आइडिया वडियाइयां कर रहे जे, उहदी तां अंदर जम मिट्टी रोलण रहे ने। तां महाराज कहिंदे कि ते कह ते नहीं सी उह दित्ती, कहते ये गल कह के नहीं सी दित्ती। महाराज जी हथ उंगली करके कहते कहते कह के नहीं सी दित्ती। कहते नहीं सच्चे पातशाह मैं काबू रख के तेरे नाल उठ खड़ोता, कहते बहुत चंगा किया, तेरी गल का उत्थे मुल की पैना सी, सारी सभा के तू बुरा बन जाना सी। अंदर की गल अंदर ही करके रखी थी, तो बाहर दातरिया चनियाइया जिन्ना सदका असं सब जीव शोभा कट रहे हैं, वो तो साढ़े मन में अंदरों पता है भी असं कहो जे हाँ, गंदे हाँ कि निवी शोभा लै रहे हाँ, कि साढ़े में कोई विशेष गुण भी है। जे चार बंदे मत्था टेकन तो यह फसल में बंदा डुब जाए कि मैं फरिया सारे नाल ही वड्डा है। कहिंदे इह जिहड़ी है इह साडी मलीनता दी हालत है, साडा अंदर हर वक्त सानूं गवाही दिंदा है कि तू किहड़े औगणां नाल भरिया पिया है, तेरे विच किहड़े किहड़े ऐब हैं। कि दुनिया मत्थे टेकदी है तो इहदा मतलब यह नहीं है कि तू चंगा हो गया। जिहड़ा पुरश अपनी अंदरली आवाज उत्ते तुरदा है वह इस संसार विचों बच के निकल जाता है। तो हमेशा अपनी अंदर की आवाज जिहड़ी है उहदे उत्ते ध्यान रख के आदमी नूं अपने बाहर दियां सोभा बाहर दियां वडियाइयां तों जिहड़ी है तौबा करनी चाहीदी है। इत्थे गुरु नानक साहिब सज्जन नूं इह समझा रहे हैं, ऐ सज्जना तेरी महिमा थोड़ी दूर दूर तक फैली हुई है, बड़ी दूर तक ते आउंदे वास्ते वह खाने खवाउंदा है, रात रखदा है, आराम दिंदा है। तो कहिंदे ने बड़ी दूर दूर तक फैली है, पर हर एक दे मन नूं पता है कि मैं ऐदी हाँ, मैं पापी हाँ, तो मैं साध हाँ, तो मैं गुरमुख हाँ। किन्नी जबरदस्त चोट है जिहड़ी गुरु नानक साहब ने आखिरी चोट सज्जन से की थी जी। क्या तेरी तंग आई आवरे से आने पे नानक नाम संभाल तू बदा छुटे जेते। जब इन्नी मार सज्जन ना सह सकिया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया गुरु नानक साहब अगे, कहिंदे तां तुहां सारे मेरे ही नुक्स ज्ञान कर दिते ने, मैं ही इन्हां ऐबां नाल भरिया पिया, हुण मैं किस तरह बच सकांगा, मेरी कास किस तरह तों निकल सकेगी, मैं जमा जे मार्ग तों किस तरह बच सकांगा। सच्चे पातशाह तुसीं मेरे घर आप पधारे जो मैनूं हुण राह दसो। सज्जन साखी च पढ़ के देखो गुरु नानक साहब कहिंदे ने सज्जना दो ही तरीके हैं जिन्हां नाल गुनाह फदल हुंदे हैं, जिन्हां नाल गुनाह नाश हुंदे हैं। कहिंदे दसो मैं सोई सोई करांगा। कहिंदे एक तां सिदक दिल नाल जो माल लुटिया ही आ के मेरे अगे ढेरी कर दे। कहिंदा बहुत अच्छा है, वो जो सुई सलाई सी लिया के ढेर लाता गुरु नानक साहब दे घर। कहिंदे जिस तरह हुण इह ढाई वाया ही उस तरह सिदक दिल में पछतावा कर कि मैं अगे तो तौबा करना हाँ। और सजना नाम की कमाई कर, बगैर नाम की कमाई दे तू कभी नहीं छुट सकेगा। तो वह जिहड़ा उसका धन सी गुरु नानक साहब ने उसे हुंदिया वेखदिया वेखदिया सब लोगों में वंड दिता, वरना दिता नाम दिता। श्रोमणी सिख गुरु नानक साहब का बनया, अज तक इतिहास में उसका नाम जिहड़ा है आ रहा है। इतिहास एवें नहीं बनते, कुछ कुर्बानियां नाल बनते हैं। जिहड़ा पुरश औकड़ां तो डरदा है, निकी निकी गल्लां तो झकदा है, और फिर निकी निकी गल उत्ते अपने धर्म और दीन तो डोलदा है, ऐसा पुरश कभी नामवरी दुनिया च खट सकदा है? कभी नहीं खट सकदा। तो अज उस सज्जन नूं प्यार नाल दुनिया याद करदी है, उसकी जीवन कहानी पढ़ के लोग अपने जीवन जिहड़े हैं वह बनाउंदे हैं। वह बाणी जिहड़ी है उसनों पढ़ के जिसने उहदे अंदर रंग लिआंदा है, सज्जन वह सज्जन के अंदर उसकी मिठास और उसकी रोशनी में तुर के अज आम लोग जिहड़े हैं अपना जीवन बनाउंदे हैं। तो गुरु नानक साहब सिद्धा ही कहिंदे ने सज्जना की कहिंदे हैं, तू कह के आखिरी तुक दे विच कहिंदे हैं भई हुण मौका आई, जे तू नाम की संभाल कर ले, नाम नाल जुड़ जावें तां तू जिहड़ा इस संसार नूं बज्झा होया है हमेशा वास्ते मुक्त हो जाएगा।
फिर बोलो नानक नाम संभाल तू बदा छुपे जेते सेवा कर दी है शाम में भी कल सुबह भी उससे ही जगह सेवा होगी रात।